तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर आसू टेक पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख कर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में, जो कि यूपी वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और बहुत ही लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो दोस्तों, हम इसमें पूरे 10 पॉइंट की बात करेंगे, 10 फायदों की बात करेंगे कि 10 फायदे इसके क्या क्या हैं और ये ई श्रम कार्ड है क्या और ये कैसे बनाना है, आपको किस तरीके से इसका आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ई श्रम कार्ड क्या है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड कामगार लोगों के लिए, श्रमिक लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको मोदी सरकार, योगी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी के इसी महीने में हमारी तरफ से बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा हो चुका है, उनके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये आ चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ई श्रम कार्ड को कौन लोग बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर कोई 16 साल के ऊपर के हैं, 16 साल से लेकर 60 साल तक का अगर कोई है, तो आप उनका ई श्रम कार्ड का आवेदन दे सकते हैं। या तो आप अपने फ़ोन से ही दे सकते हैं या फिर आप किसी अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसका आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपकी बैंक डिटेल लगेगी, आपका एड्रेस लगेगा और आपका मोबाइल नंबर लगेगा जो कि आपसे आपके आधार कार्ड से लिंक है, ये आपका लगेगा, और एक नॉमिनीज लगेगा, नॉमिनीज का आधार कार्ड, ये सारा इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दोस्तों, आप इसको लेकर के जा करके अपने जनसेवा केंद्र पर आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि किसी चीज़ में अगर कोई सा फायदा होगा तभी हम उसको बनवाएंगे, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे पहला फायदा क्या है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा जो है, आप इसको बनवाने के बाद 2 लाख रुपये तक का बीमा आसानी से कहीं पर भी पा सकते हैं अपने यूपी में इस कार्ड के जरिए से। दोस्तों, ये है इसका सबसे पहला फायदा। अब हम बात करते हैं नंबर दो की तरफ। तो नंबर दो में इसमें बताया गया है कि आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये वाला ई श्रम कार्ड है तो। तो दोस्तों, यह कार्ड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर बनवाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरे फायदे की तरफ कि इसका तीसरा फायदा क्या है। दोस्तों, तीसरा फायदा इसका यह है कि आप सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी योजना में कुछ किसी भी तरह की योजना आती है तो आप उसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं, आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा और आपको गवर्नमेंट पूरा सहयोग करेगी। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ कि इसके चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है। दोस्तों, चौथे पॉइंट में इसमें बताया गया है, अगर आप कोई भी काम करते वक्त बाई चांस ऐसा ना हो आपके साथ, भगवान करे, अगर आप फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है काम करते वक्त, आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, अगर इस स्थिति में आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप दोस्तों इसमें आपको बीमा तो मिलेगा ही, बल्कि इसके अलग अन्य और भी फायदे हैं, जैसे आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराने का खर्चा, दवाई का खर्चा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ का खर्चा आप इस कार्ड के जरिए से करवा सकते हैं, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये आपका इसमें फ़ायदा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पाँचवें फायदे की। तो इसके पाँचवें फायदे में क्या बताया है, चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें पाँचवें फायदे में बताया गया है कि इसको कौन कौन बनवा सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसमें वो बनवा सकते हैं जो कि पशुपालन, पेपर फेंकने वाले और ये डिलीवरी बॉय, स्विगी, जोमेटो और ऐसी अन्य प्रकार के जो कामगार लोग हैं, इसको आवेदन दे सकते हैं और इस चीज़ को बनवा सकते हैं, ये आप सभी के लिए इनिजिबल है। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और हर महीने 1 हज़ार रुपये सरकारी योजना का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम इसके छठे फायदे की तरफ कि इसका छठा फायदा क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, छठे फायदे में इसमें बताया है कि आप राष्ट्रीय योजना का फायदा उठा सकते हैं। राष्ट्रीय योजना में आपको कोई भी योजना मिलेगी तो आपको आपको वो चीज़ का फायदा आपको सबसे पहले हो जाएगा, आप उस चीज़ के इनिजिबल रहेंगे क्योंकि आपके पास ई श्रम कार्ड है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड आपके लिए सभी जगह पर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास है तो फायदे का ये खजाना है। जैसे कि आप अपना आधार कार्ड, हर तरीके से आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप इसी तरीके से कह तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसी के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय योजना का भी आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ज़रूर बनवाएं। अभी बात करते हैं हम इसके सातवें फायदे की तरफ कि इसका सातवां फायदा क्या है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि यह क्या है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके सातवें फायदे की।
तो दोस्तों इसका सातों फायदा ये है कि आप इसमें प्रधानमंत्री द्वारा सुरक्षा योजना का फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो आप इसके इनिजिबल रहेंगे, नहीं तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप इस कार्ड को जल्दी से जल्दी बनवा लें और इन सभी योजनाओं का फायदा उठाएं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसके आठवें फायदे की, किसका आठवां फायदा क्या है दोस्तों, आपको ये भी बताता हूँ। दोस्तों इसका आठवां फायदा यह है कि आप प्रधानमंत्री द्वारा जीवन ज्योति योजना का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो, तभी आप इसके इनिजिबल रहेंगे, नहीं तो आप इसके इनिजिबल नहीं रहेंगे, आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके नवे फायदे की तरफ कि इसका नवा फायदा क्या है दोस्तों, ये भी आपको बताता हूँ। दोस्तों इसका नवा फायदा है अटल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, आप इस कार्ड के द्वारा अटल पेंशन योजना का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है तो, अगर नहीं है तो आप इसके एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको ये पेंशन का लाभ नहीं होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके दसवें फायदे की तरफ कि इसका दसवां फायदा क्या है। दोस्तों इसका दसवां फायदा ये है, अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है तो आप, अगर आप एक कामगार हैं तो आप इस कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये इसके पूरे 10 फायदे हैं जो कि आपको मैंने 10 के 10 बता दिए हैं। आप इस कार्ड को बनवाएं और आप इन 10 योजनाओं का फायदा उठाएं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपको ये सब इनिजिबल रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, आपको कुछ फायदेमंद रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में उस बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारी ऐसी ही जानकारी वाली टेक्निकल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस चीज़ का फायदा उठा सकें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित रहिएगा।